चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट? नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज, और आपको बता दें कि ठोर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी लगातार गांवों में जनसंपर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं तस्वीरों में, किस तरह से काफ़ी ज़्यादा लोग उनके स्वागत में यहां पर इकट्ठा हुए हैं, और आपको बता दें उनको अपना समर्थन, अपना प्यार उनको लगातार वो दे रहे हैं। जी आपको बता दें, जैसे ही विधानसभा चुनाव जितना नज़दीक आ रहा है, आपको बता दें उतनी ही तेज़ी के साथ जनता में भी एक खुशी की लहर है। और आपको बता दें भाजपा प्रत्याशी सत्यवीर त्यागी जी को जनता अपना सम्मान वहां पर देती हुई साफ नज़र आ रही है। और आपको बता दें उनकी सराहना, उनके विकास कार्यों की सराहना लगातार जनता कर रही है। पीडीसी जिला पंचायत सदस्य भाई कृष्ण जी को आपने सुन लिया, हमारे राजीव प्रधान जी, हमारे देखिए संघ के हमारे बहुत बहुत पुराने हमारे राहुल जी हैं जो बहुत, हमारे भाई राजेश्वर छत्री जी, हमारे हरिंदर जी, भाई अमित जी सभी, और हाँ अमित जी बंदर त्यागी जी, पुनीत जी, और कहाँ गया हमारे जाकर भाई, कहाँ बाबूराम जाकर जो हमारे बूथ का अध्यक्ष है। देखो अगर नाम लूंगा तो बहुत लोगों के नाम मैं जानता हूँ, सबके तो कहीं ना कहीं चूक हो जाएगी, कोई शाम तक माफी करेगा, शाम तक गाली देगा। इसलिए जो है मैं बहुत ही अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ सबके चरणों में पुनः नमन करता हूँ, और आप लोगों का जो जोश ये है, ये 10 तारीख तक इसको आप कमल के फूल के सामने बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। आपने मन बना लिया है, और हमें जहां जहां भी हम जा रहे हैं, देखिए बिजोली एक ऐतिहासिक गांव है, ये जो बिजोली है यहाँ मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं, आपको बताइए यहाँ तो मुख्यमंत्री जी का भी दौरा हुआ है, और मुख्यमंत्री जी बनने से जब बने थे तब भी वो सबसे पहले खरगोद आए थे, और उसके बाद इस बार जो है बिजोली आए हैं, हमारी विधानसभा में या सिसोली में आए हैं जो जनसभा के लिए। सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा यह है कि मुख्यमंत्री जी का जो आशीर्वाद निवेदन है कि बिजोली के आप लोगों का जितना भी सेवा कर सकता था मैंने भरसक प्रयत्न किया, अगर कोई जाने अनजाने कोई ऐसा आप लोगों को कहीं ऐसा महसूस हुआ हो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, और आप लोगों का पूरे 5 साल आपकी सेवा करूंगा। मेरा द्वार, मेरा दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहा है, हमेशा खुला रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों ने यहाँ सम्मान दिया है, इसकी तोड़ कर ये जो जोश है ये 10 तारीख तक इसी तरह से बना रहेगा। मैं 2-3 नारों के बाद अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बोल भारत माता की, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी, गूंज रहा है चप्पा, बटन हमारा कहाँ दबेगा, बटन हमारा कहाँ दबेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।